أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يقه قولي اللهم علهمني رشدي وأعزني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما आमीन आले, आले नंबर नंबर आयत गुण। गुण। पहले लफ्जी सुनिए जो ईमान लाए हो ला तकोनो तुम हो जाओ कल लजीना उनकी तरह का फरू जिन्होंने कुफर किया वकालू और उन्होंने कहा अपने भाइयों को वो चले फिरे फिल अर्दी जमीन में औ कानू या थे वो गुज़न गाजी लड़ने वाले लव अगर कानू होते वो इंदना हमारे पास मा मा तू ना वो मरते व मा उतिलु और ना वो कत्ल किए जाते लियज़अल्लाहु ताके बना दे अल्लाह जालिका इसको हसरतन हसरत का सबब थी कुलूबिहिम उनके दिलों में अल्लाह ये जिंदा करता है वह उम्मीद और मौत देता है और तो आयत पर आइए दोबारा या लजीना ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ना तुम बन जाओ उनकी तरह किन की तरह जिन्होंने कुफर किया इशारा है उन लोगों की तरफ जो जंगे ओहद से पीछे रह गए थे तो यहाँ पर मुखातिब किसको किया जा रहा है बात किससे कही जा रही है अहले ईमान से अहले ईमान से कहा जा रहा है कि तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो यानी जो ईमान लाए हो यानी अहले ईमान ला तक तुम उनकी तरह मत बनो किन की तरह कफर जिन्होंने कुफर किया जिन्होंने कुफर किया इनकार किया तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो उनकी तरह ना बनो उन्होंने क्या किया था उन्होंने ये किया था उन लोगों ने उन्होंने कहा था उन्होंने ये किया था उन्होंने कहा था अपने भाइयों को के अपने भाइयों से उन्होंने क्या कहा था कि मतलब कुछ नसब में उनके भाई थे और कुछ कुफर में उनके भाई थे निफाक में यानी कि वो भी तो एक रिश्ता होता है ना दाराबू जब वो उन्होंने कहा था कि जब वो अः दराबू का लफ्जी मायना जो होता है ना वो मारने का होता है कि किसी को जरब लगाना मारना मगर यहाँ जो हुआ है ना यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है ये सफ, तो सफर के लिए ये इस्तेमाल हुआ तो किस मकसद के लिए सफर देखिए एक मकसद होता है ना कोई तिजारत या दुनिया का काम और एक मकसद होता है जंग तो यहाँ पर बात हो रही है सफर के लिए इजा फिल अर्दी कानू थे वो गुजर लू तो यानी जंग करने वाले यानी थे वो जंग करने वाले ये जो गुजन का लफ्ज आया ना ये गाजी की जमा है इसी से लफ्ज गए इसका रूट क्या है हैजबा जो है यहाँ पे नोट कर लें आप लोग गजबा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी अकरम अक्रम सल्हसम बजाते खुद बनफ से नफीस शरीक हुए हो और जंग में हिस्सा लिया हो हर उस जंग को कहते हैं तो इसीलिए फिर सीरत की किताबों का नाम जो है ना वो मगाजी भी रखा गया है तो ये सब जो है इनका सारों का रूट एक ही है ये इसी लफ्ज़ से निकले हैं तो आगे चलती हूँ वो कहते थे क्या कहते थे कि वो ये कहते थे आ, आ, कि अगर वो होते कौन सफर करने वाले यानी जिनके बारे में बात कर रहे थे कि सफर करने वाले या जिहाद करने वाले कहना चाहिए ना इन दना हमारे पास यानी सफर और जिहाद के लिए ना जाते बल्कि वो हमारे ही पास होते माँ मातू तो उनका कहना ये था कि वो मरते नहीं मा ना माँ मातू ना वो मरते यानी अगर वो सफर पे यानी इस सफर जहाद पे वो ना जाते और वो हमारे पास ही रुक जाते तो वो ना मरते तो गोया उनके ख्याल में मौत जो है वो घर में नहीं आती बल्कि मौत उनके ख्याल में उनके ख्याल में वाजे कर रही हूँ कि मौत सफर पर जाने से आती है या फिर कहा आती है उनका ख्याल ये था कि जंग में जाने से आती है तो इसलिए जो लोग घर से बाहर जाकर मर गए या कत्ल कर दिए गए तो उनके मरने पर इजहार अफसोस करते हुए यानी का तरीका ताजियत देखिए कि तरीका ताजियत ये था कि ताजियत करते हुए उन्होंने क्या कहा काश वो ऐसा ना करते तो वो ना मारे जाते वो ऐसा ना करते वहां ना जाते ताके बना दे अल्लाह तो

रहते या चले गए उनके साथ जो होना था कंफर्म वो तो हो गया लेकिन उनकी सोच क्या थी कि वो ना जाते तो वो ना मरते तो ये सब तो ये उनकी सोच उनका ईमान उनका ये अकीदा जो था वो अल्लाह की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ था बिल्कुल खिलाफ था तो अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने फिर उसको उनके दिलों के लिए चूंकि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ और अल्लाह के अकीदा इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बात की तो फिर अल्लाह क्या फरमा रहे कि फिर अल्लाह ने उनके दिलों के लिए इसी बात को हसरत का सबब बना दिया यानी उनकी जो मनती सोच थी ना वो उन्हीं के लिए बायसी हसरत बन गई और अल्लाह जिंदा करता है और मौत देता है तो देखिए याद रखिए कि अल्लाह ही जिंदगी देता है ये वाजे तौर पर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना वल्लाहु युहयी व युमीत अल्लाह ही जिंदगी जिंदगी देता देता है है और अल्लाह ही मौत देता है। उसके सिवा ना कोई दे सकता है ना कोई मौत दे सकता है वल्लाहु बसीर और और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देखने वाला देख रहा है एक पल भी अल्लाह गाफिल नहीं है जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि तकदीर पर जो ईमान है तो देखे ना ईमान का हिस्सा है कि तकदीर तकदीर पर ईमान का मतलब क्या है जब हम बाकी चीजों पर ईमान रखते हैं ना अल्लाह पर रसूलों पर नबियों पर किताबों पर मलाइका पर अल्लाह की आखिरी दिन पर रोजे क्यामत पर तकदीर पर तो ईमान का हिस्सा है अगर हम तकदीर पर ईमान रखते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि जिंदगी जो है तकदीर पर ईमान का मतलब वाजे कर रही हूँ कि जिंदगी मौत सेहत बीमारी रेज और सारे के सारे फैसले अल्लाह ही के हैं जिसको अल्लाह जो चाहे दे, दे, जब तक चाहे दे, जिंदगी दे ना दे मौत दे सेहत दे जो कुछ भी दे ये सारे के सारे अल्लाह के फैसले हैं और यही तकदीर का हिस्सा है फिर ये कि हर एक की मौत की जगह भी अल्लाह ने लिख दी है कि कौन कहाँ मरेगा और कौन घर में रह कर फौत होगा या कौन घर से बाहर जाकर फौत होगा कौन किस मुल्क में कौन सफर में कौन घर में यानी जो भी अव्वल से आखिर बात है ना वो सब तकदीर का हिस्सा है वो सब ये है सब तकदीर जो अल्लाह ने लिख दी है लेकिन आप देखिए चूंकि मुनाफिक जो थे ना उनका तो तकदीर पर ईमान ही नहीं था वो तो जब अल्लाह ही और अल्लाह के रसूल के साथ ही वो मुनाफत कर रहे थे तो फिर उनका तकदीर पर क्या ईमान होना था तो लिहाजा ये उनका तरीका था कि अगर उनमें से कोई बा, ये बाहर जाता ना और वो मर जाता खास तौर पर जंग पर जाता मर जाता तो फिर वो क्या करते थे वो फिर इन अल्फाजों में आकर एक दूसरे से इजहार अफसोस करते थे ताजियत करते थे कहते थे काश के वो न जाता तो वो नहीं मरता तो बच जाता ऐसा वहां जगह ना जाता तो देखिए ना आप देखिए कि आज के माशरे में भी ऐसे जुमले बोले जाते हैं या नहीं गौर करें ना अपने इर्द गिर्द करें आमतौर पर फौतगी की जो मजलिसें होती हैं जहाँ लोग जमा होते हैं ताजियत के जाते हैं तो उन्हीं के अल्फाज जो है ना अल्फाजों में अपनी हसरतों का लोग इजहार कर रहे होते हैं तो इसी से मिलती जुलती बातें करते हैं ना कि काश वो ये ना करता काश वो वो ना करता ऐसा ना होता अगर वो ये ना करता ये ना खाता तो यूं ना होता वहां ना जाता तो ये ना होता तो ये जो ये सब बातें जो है ना ये सब बहाने हैं ये सब तो बज़ाहिर हैं कि जिनकी वजह से आ, मौत आ गई वरना ने और सब पर आनी है और, और जगह और तरीका अल्लाह को मालूम है सिवाय इसके के इंसान के गम और, और निदामत में इजाफा होता है और, और इसका कोई फायदा नहीं होता जो लोग इस तरह की बातें करते रहते ना आप देखें नतीजा क्या निकलता है क्या निकलता है कि जब उस मजलिस से उठते हैं तो अजीब से खुद भी अजीब से हो जाते हैं और फिर आप ये देखिए कि मुर्दा जो है ना वो जिंदा तो नहीं हो जाता ना जो नुकसान होना था वो तो हो गया अब वो अजीब सी कैफियत अपने दिल की भी हो जाती है उनकी ये बातें करके और जिसके कि जिसको तसल्ली देने आए उसको भी अजीब उसकी कैफियत भी हो जाती है और कोई नुकसान तो पूरा नहीं होता ना कोई तलाफी होती है यानी कुछ भी अब हो तो नहीं सकता सिवाय इसके कि एक इंसान ऐसी बातें करे और होना क्या है अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं ना इस तरह की बातें करके क्योंकि जब इंसान अल्लाह के फैसले को कबूल नहीं करता तो याद रखिए तो फिर इंसान दुनिया का खसारा उठाता है और आखरत भी क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया और अल्लाह ही जिंदगी देता, अल्ला देता है तो हम सबको अच्छी तरह ये नोट कीजिए अपने पास कि हम सबको अच्छी तरह ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है कोई और नहीं कोई और नहीं ठीक है अच्छा अब देखिए कि जंग से मुतालिक जो कुछ हमने पढ़ा कि उसमें एक चीज तो कॉमन है ना जो हम बार बार पढ़ रहे हैं जो ना बार -बार वो वो ये अल्लाह के हाथ में अल्लाह ना जिससे हमें ये सबक नजर आता है कि अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में तो जंग और से इसलिए भागना कि मौत से भाग जाएंगे ये कोई अकलमंदी का फैसला तो नहीं ना नहीं ना तो फिर अल्लाह को सब पता है और जो भी इंसान करता है ना अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है यहाँ पर ने खुद करके कुछ भी छुपा हुआ नहीं कोई इंसान दूसरे इंसानों से कुछ छुपा कर रख सकता है लेकिन अल्लाह तो सब जानता है अल्लाह से कोई कुछ नहीं छुपा सकता तो आप ये देखिए कि इस आयत नंबर 156 156 एक सौ में एक बात जो पता चलती है नोट कीजिएगा कि एक जो बात सबसे पहले में पता चली जो इसका पैगाम है कि तकदीर पर ईमान जरूरी है नंबर नंबर टू ये ये कि कि दूसरी बात इंसान अपनी गुफ्तु का जायजा ले और जो कुछ ऐसे ना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ या अल्लाह को नाराज करने वाली बातें ना करे अपनी गुफ्तगु को नाप तोल के बोले सोच के बोले बोला क्या है? सोच समझ कर बोले क्योंकि ना देखा गया यह है कि अमूमी तौर पर इंसान के मुंह से देखिए वही बात निकलती है जो कुछ वो सोचता रहता है जो उसकी सोच का हिस्सा होता है जो उसके दिल में चल रहा होता है ना दिल के अंदर अंदर की जो कैफियत है थे, जो अंदर चल रही होती है वही बाहर आ जाती है और खास तौर पर दो मौके ऐसे हैं कौन कौन से एक मौका खुशी का और एक मौका गम का खुशी और गम के मौके पर इंसान जो है ना वो अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता आपे से बाहर हो जाता है खुशी ज्यादा मिल जाए तो आपे से बाहर हो गया और जो कुछ दिल में आया वही बोल डाला बस आओ देखा ताओ इसी तरह जब इंसान बहुत शदीद गम में होता है ना तो भी जो कुछ दिल में होता है वो कह डालता है वो फिर उसको अकल काम नहीं करती उस हालांकि जब इंसान आम हालात में होता है ना तो फिर भी वो संभल के गुफ्तु -गु करता है आम हालात में दिल और जबान का जो फर्क है ना उसका दूसरों को पता नहीं लगने देता अब कंट्रोल कं कं के साथ बोलता है ना आम हालात में इंसान आसानी से दूसरों को धोखा भी दे सकता है लेकिन शदीद गम की हालत में शदीद गुस्से की हालत में अमोमन इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में चल रहा होता है ठीक है लेकिन इंसान की हकीकत जो है ना वो इन्हीं मौकों पर खुल के सामने आती है उसकी असलियत का पता इन्हीं मौकों पे चलता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है उसका जाहिर तो आमतौर पे नजर आता है ना गुस्से और गम की हालत में शदीद गुस्से की हालत में, के हालत में और गम की हालत में पता चलता है कि वो अंदर से उसकी असलियत क्या है तो अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल में डालता है ना डालता ही इसलिए है ताकि इंसान की असलियत सामने आए और जो इंसान जो है ना अपने ऊपर खोल चढ़ाए हुए होते हैं ना वो अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं तो हकीकत खुल जाती है कब कब खुलती है हकीकत कभी खुशी के मौके पर भी खुलती है कभी गम के मौके पर खुलती है और कभी गुस्से की हालत में तो इंसान को आखरत से पहले दुनिया में भी ये सब कुछ दिखा देता है अल्लाह ताला तला कैसे उसकी असलियत खोल देता है ना ऐसे मौकों के अंदर इंसान आ जाता है कि वो फिर अपनी असलियत उसकी खुल जाती है और दूसरी बात यह कि ये जो मतलब दूसरी असलियत असलियत से बुराती है उसकी मुनाफिकाना और मुशरिकाना बातें ये मुनाफिकाना मुशरकाना बातें ना कि काश ये ना होता काश वो ना होती बातों में भी आता है बास भी ये की वो बात जगहों के फैसलों के खिलाफ बातें करे अहले ईमान ऐसी बातें नहीं करते हमें मशरक और मुनाफिक की मुशाबीत इख्तियार नहीं करनी चाहिए वही आयत में कहा गया कि आप उनके जैसी बातें मत करो और ऐसी बातों से बचना चाहिए ये इसका तीसरा पैगाम है क्योंकि देखिए कि इंसान जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है ना वो उन्हीं में से शुमार किया जाता है और ये जो मुशाबहत है ये सिर्फ लिबास की हद तक नहीं है कि आपने कपड़े उनके जैसे पहन लिए तो आप उनके उनमें शामिल हो गए नहीं बल्कि मुशाबहत जो है वो आमाल की अकायद की और गुफ्तगु की मुशाबहत भी है तो सिर्फ दूसरी कॉमों जैसी कपड़े पहन लेने से ये नहीं हो जाती मुशाबियत बल्कि उनकी सोच रखना उनके जैसी सोच रखना उनके जैसा अकीद रखना उनके जैसी बातें करना ये है असल में मुशाबियत रखना ये है जिससे के मना किया जा रहा है इस आयत में क्योंकि उनकी सोच जो है मुनाफिक मुशरकिन की जो सोच है वो अल्लाह के दीन के खिलाफ होती है लिहाजा उन जैसी सोच से बचना चाहिए क्योंकि अगर उनकी जैसी सोच वाली बातें करेंगे ना और उनकी तरह बातें करेंगे तो फिर ये ये मुशरकाना बातें हैं ये मुनाफिकाना बातें हैं तो ये अल्लाह के फैसलों के खिलाफ बातें हैं तो ऐसी बातों से बचना चाहिए क्योंकि ये इंसान के अंदर बुजदिली पैदा करती है और दूसरी बात यह एक दूसरे के अंदर हसरत और मनफी रवैये जो एक बंदा बात कर रहा होता है उसका दूसरे पे भी नेगेटिव असर जाता है ना मनफी रवैया पैदा होता है तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मैं ये भी वाजे करूंगी कि मोमिन का कहना क्या होता है अगर मोमिन इन हालात में आ जाए ईमान वाला वो वो क्या करेगा वो वो अल्लाह ने जो वो कहेगा और उसके दिल के अंदर बात भी मोमिन के यही होनी चाहिए और जो मोमिन होता है ना ईमान वाला दिल उसके दिल उसकी भी तो कैफियत खुल के सामने आती है ना अगर वो इन हालात से दोचार होता है तो वो क्या कहता है जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया और जो उसने नहीं चाह वो नहीं हुआ हर चीज का अंदाजा अल्लाह ने मुकर्र कर रखा है यानी जिंदगी देना मौत देना इंसान के हाथ में नहीं है ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कि कितनों को उसने पैदा करना है और किसको पैदा करना है किसको फौत करना है ये सब अल्लाह के फैसले और अल्लाह के फैसलों को खुशी से कबूल करना चाहिए और मोमिन का ये काम है इसीलिए देखें तकदीर पर ईमान जो है ना इंसान के दिल को मुतमिन कर देता है अगर इंसान अपनी तकदीर पर यकीन रखता है अल्लाह पर भरोसा रखता है तो उसके दिल को इतमान मिल जाता है मुतमिन हो जाता है वो और हर फैसले को अपने रब का फैसला समझकर कबूल करता है और रब का कोई फैसला से खाली नहीं और रब का कोई फैसला अपने बंदों के खिलाफ नहीं है वो जो फैसला करता है वो इंसान की भलाई पर ही मबनी होता है ये याद रखिए और नोट कीजिए अपने पास कि अल्लाह का कोई भी फैसला अपने बंदों के खिलाफ नहीं होता अल्लाह का कोई भी फैसला अपने बंदों के लिए ऐसा नहीं होता कि वो बंदों के लिए जुल्म का बने वो जालिम हो जाए नहीं इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है अच्छा यहाँ पर वजाहत कर दो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंसान फिर क्या करे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि खुद कुछ भी ना करे और कहे कि होना तो वही है ना जो अल्लाह ने चाहा है तो फिर मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है फिर मैं क्यों करूं मुझे तो फिर कुछ करना ही नहीं है बस अल्लाह ने जो चाहना है वो हो जाना है और असबाब इख्तियार लेकिन देखिए असबाब इख्तियार करना जरूरी है असबाब करने के बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो भी उस इंसान को सबर करना चाहिए उसको ये यकीन रखना चाहिए कि इसी में मेरी कोई भलाई है हदीस में आता है कि उन चीजों की हिस्स रखो जो तुमको फायदा दे और अल्लाह से मदद मांगो आजिज होकर बैठ ना जाओ हाथ पैर छोड़कर बिल्कुल बैठ ना जाओ बल्कि क्या करो मेहनत करो कोशिश करो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो और अगर मर्जी के खिलाफ भी बात हो जाए तो उस पर भी फिर सबर करो और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो और रहो और ये बात भी कि जो कुछ दुनिया में होता है वो सा, सब का सब सारे का सारा अल्लाह के इजिन से होता है सूर इमरान आयत नंबर 145 में भी हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि कोई इंसान अल्लाह के इजिन के बगैर मर नहीं सकता ये अल्लाह का लिखा हुआ फैसला है और हर एक की मौत का वक्त लिखा है तो याद रखिए ये बात है कि दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह के से होता है मगर कब होता है असबाब के पर्दे में असबाब के पर्दे में होता है तो हमें क्या करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि सिर्फ जाहिर में अटक ना जाए बल्कि जाहिर से पीछे यानी ज़ाहिर ज़ाहिर से जाहिर में दाने का मतलब ये कि जो सामने हो रहा है बस उसी भी दुखी होके बैठ गए अब हम तो कुछ नहीं कर सकते हम भाई कोशिश करो हिम्मत करो अब एक फर्ज करो कि अब कोई बंदा ये सोचे कि मेरे घर अ, अ, मैं अपने घर के दरवाजे क्यों बंद करूं अगर चोर ने आने और सब कुछ उठा के ले जाने मेरी तकदीर में ये लिखा है तो फिर नहीं असबाब इख्तियार करो असबाब असबाब इख्तियार करो कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे हक में लिखा है वो तो होगा लेकिन असबाब तो इख्तियार करो ना ये दुनिया है जन्नत थोड़ी ना है आप अपने घर के दरवाजे बंद करो आप अपने लॉक चेक कर लो आप अपना और अगर उसके बाद भी कुछ हो जाता है तो फिर ये आपके ये तकदीर का फैसला है तो फिर क्या इसी तरह आप अगर बीमार हो तो आपको इलाज ही ना करो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ नहीं जी मैं तो अल्लाह ने अगर शफा देनी है तकदीर में लिखा है तो शफा मिल जाएगी वरना अगर मरना है तो मर ही जाऊंगा नहीं देखिये अल्लाह ने इसबाब अख्तियार करने के लिए एक मोमिन को राह दिखाई है कि तुम करो अगर और फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो तो फिर जो फैसला होगा उसी में अल्लाह की और उस फैसले को अल्लाह की रजा समझो तो सिर्फ ज़ाहिर पे अटक ना जाओ कि जाहिर यह है तो चलो तो जाहिर से पीछे यानी अल्लाह की मर्जी पर भी नजर रखनी चाहिए ये ये के ये सब के सब अल्लाह से हो रहा है अल्लाह के इजन से हो रहा है और उस पर राजी रहो और दुआ करो कि अल्लाह ये सब तेरी रजा है मैं तेरी रजा में राजी हूँ मेरे लिए इसी में से बेहतरी निकाल तो अल्लाह ताला किसी भी तरह के हालात हो उसी में से इंसान के लिए बेहतरी निकालते हैं और उसमें बेहतरी होती है पोशीदा होती है तो इस आयत का वन इसका ये पैगाम है